चार फर्जी कंपनियों के जरिए आम आदमी पार्टी को चंदा मिलने के मामले में आपके राष्ट्रीय सचिव पंकज गुप्ता बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। ईडी के नोटिस देकर बुलाए जाने पर पार्टी के प्रवक्ता व विधायक राघव चड्डा ने ईडी दफ्तर के बाहर बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी घबरा सी गई है। यही वजह है कि लगातार आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी नेताओं के यहाँ छापेमारी करवा रही है। आप विधायक राघव चड्डा ने कहा था कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों के यहाँ छापे मारे गए, यहाँ तक कि हमारी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के कुत्ते को भी गिरफ्तार किया गया, मगर हम भाजपा से डरने वाली नहीं हैं। हमारे पार्टी के खाते की बार बार जांच हो चुकी है, हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है, हम हर जाँच का सामना करने को तैयार हैं। गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी को चंदा मामले में नोटिस भेजा है। दरअसल आपको चार फर्जी कंपनियों के जरिए चंदा मिलने का मामला फरवरी 2014 का है। आरोप है कि चार फर्जी कंपनियों से आपको करोड़ों का चंदा मिला था और ये पैसा देहरादून की एक कंपनी ने शेल कंपनियों के जरिए दिया था। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।